हाय, दिस इज गिरिराज प्रसाद एक और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन के साथ। ये क्वेश्चन सीबीएसई बोर्ड 2023 में आया हुआ है। क्वेश्चन का सेट है 31। इसी तरह के क्वेश्चन की वीडियो पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए और वीडियो को लाइक कीजिए और अपने फ्रेंड्स के पास शेयर कीजिए। स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन है, इंडिया मेटीरियोलॉजिकल डिपार्टमेंट ऑब्जर्व सीजनल एंड एनुअल रेनफॉल, है ना, सीजनल एंड एनुअल रेनफॉल को ऑब्जर्व किया उन्होंने एवरी ईयर इन डिफरेंट सब डिवीजन ऑफ अवर कंट्री। कंट्री के अलग अलग सब डिवीजन में मेजर करते हैं, इनको ऑब्जर्व करते हैं, किस किस को, रेनफॉल के बारे में। ठीक है, चलो फिर आगे है। इट हेल्प्स देम टू कंपेयर एंड एनालाइज द रिजल्ट्स। ये जो है, इसके जो रिजल्ट हैं वो इनको कंपेयर करने में और एनालाइज करने में उनको हेल्प करते हैं। द टेबल गिवन बिलो शोज सब डिविजन वाइज सीजनल मानसून रेनफॉल मिलीमीटर इन 2018। ये रेनफॉल किस में है, मिलीमीटर में। ठीक है, चलो तो ये रेनफॉल गिवन है हमको मिलीमीटर में कि 200 to 400 मिलीमीटर रेनफॉल वाले जो सब डिविजन है वो कितने हैं, 2 है। ठीक है, तो इस तरह से हमको ये डेटा गिवन है। आगे देखते हैं भाई। ऐसे ही फिर 400 to 600 में 4 सब डिवीजन है, इस तरह से हमको ये डेटा गिवन है। तो इसके ऊपर क्वेश्चन है, बेस्ड ऑन द अबव इन्फॉर्मेशन आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन। इन क्वेश्चन का आंसर हमको देना है। चलो देखो, फर्स्ट क्वेश्चन है, राइट द मॉडल क्लास। तो मॉडल क्लास कैसे लिखते हैं, सबसे ईजी है, बिल्कुल ईजी है मॉडल क्लास लिखना। तो मॉडल क्लास क्या होती है कि हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी, सबसे जो हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी वाली जो क्लास है हमारी, उसी को हम बोलते हैं मॉडल क्लास। तो सबसे हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी किसकी है, इसमें से 7। सबसे ज़्यादा फ्रीक्वेंसी किसकी है, इसकी, जो कि है 7। तो इसमें जो क्लास है वो कौन सी है, 600 to 800। तो अपनी जो मॉडल क्लास है, इसका जो फर्स्ट का आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा हमारा 600 to 800। ठीक है, ये अपने क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का आंसर हो जाएगा। ठीक है भाई, चलो आगे। सेकेंड वाले पार्ट में इसमें पूछा है मीडियन ऑफ द गिवन डेटा, मीडियन ऑफ द गिवन डेटा, और में है हमारे पास मेन रेनफॉल। तो मीडियन निकालो या मेन निकालो, मैं रिकमेंड करूंगा कि आप मीडियन निकालो, क्योंकि मीडियन निकालने में आसानी है, एक फॉर्मूला लगाना है और कैलकुलेशन में मिस्टेक के चांसेस कम है, तो मीडियन निकालना आप। ठीक है, चलो फिलहाल तो मैं इस डेटा को थोड़ा कॉपी कर देता हूँ और फिर इस क्वेश्चन को हम करते हैं। तो हमको एक साइड में गिवन है रेनफॉल, जिसको हम बोल देते हैं फिलहाल एक्स आई, और एक गिवन है फ्रीक्वेंसी सब डिवीजन के नंबर। चलो तो रेनफॉल है हमारा 200 to 400, फिर 400 to 600, इस तरह से 1800 तक। ठीक है, चलो तो यहाँ मैं लिख देता हूँ 200 to 400। ये एक्सरसाइज नहीं है वैसे, ये क्लास इंटरवल है। ठीक है, तो 400 to 600, 600 to 800, 800 to 1000, 1000 to 1200, 1200 to 1400, एंड 1400 to 1600, और 1600 to 1800। ठीक है, फ्रीक्वेंसी देखते हैं क्या क्या गिवन है हमको। 2474 क्या गिवन है फ्रीक्वेंसी में, 2474, 2474, 2311, 2311। हमको निकालनी है मीडियन, तो मीडियन निकालने के लिए हमको निकालना पड़ता है सीएफ। क्या निकालना पड़ता है, सीएफ। तो सीएफ कैसे निकालते हैं, फर्स्ट फ्रीक्वेंसी सेम एज इट इज लिख देते हैं, फिर एक एक करके हम उसमें ऐड करते जाते हैं। तो 2 में 4 ऐड किया कितना आ गया, 6। 6 में 7 ऐड किया कितना आया, 13। 13 में 4 ऐड किया कितना आया, 17। 17 में 2 ऐड किया कितना आया, 19। 19 और 3 22, और 23,
और 24। तो ये आ गई हमारी कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी यानी कि सी एफ। ठीक है, तो यहाँ पे जो फ्रीक्वेंसी का ऐड होने वाला है वो भी अपना कितना होने वाला है, 24। और ये वैल्यू हम किसको क्या बोलते हैं, इस वैल्यू को सम ऑफ फ्रीक्वेंसी को एन बोलते हैं, कैपिटल है। तो हम कैसे निकालते हैं आगे मीडियन, सबसे पहले हम निकालेंगे एन बाई टू। एन बाई टू अपना हो गया 24 डिवाइड बाई टू यानी विच इज 12। तो एन बाई टू से जस्ट ग्रेटर देन फ्रीक्वेंसी देखते हैं हम सी एफ में, कमुलेटिव फ्रीक्वेंसी जो कि अपनी आई 13 वाली जो फ्रीक्वेंसी है उसकी क्लास है अपनी ये 600 to 800। तो हमारा जो आंसर आने वाला है मीडियन का वो 600 to 800 ही आने वाला है। तो यहाँ पे 600 to 800 में यहाँ पे ये जो होगा वो हमारी होगी एल, ये जो है ये अपनी होगी एफ, सी एफ हमेशा इससे पहले वाली होती है। बस अब कुछ नहीं करना, हमको फॉर्मूला लगाना है और फॉर्मूला में वैल्यू पुट कर देनी है। ठीक है, क्या पुट कर देनी है, वैल्यू पुट कर देनी है। तो मीडियन का जो फॉर्मूला होता है वो होता है हमारा एल प्लस एन बाई टू माइनस सी एफ अपॉन एफ इंटू एच। एल की वैल्यू रख देते हैं, एल की वैल्यू कितनी है अपनी 600, एन बाई टू है हमारा 12 माइनस सी एफ जो कि अपनी है 6 अपॉन एफ, एफ कितनी है 7 इंटू एच, एच कितनी है 200 to 400 माइनस करेंगे तो 200। तो ये आया हमारा 600 प्लस ये बचेगा ऊपर 6 और 6 मल्टीप्लाई होगा 200 से तो 1200 अपॉन 7। तो 7 से डिवाइड कर देना और इसमें ऐड कर देना, हमारा आंसर आ जाएगा 600 प्लस 7 से डिवाइड करो, 7 जा 7 5 बचेगा 50, 7 7 जा 49 1 बचा 10, 7 1 जा 7 तो कितना बचा 3 30, 7 4 जा 28 28 इस तरह से आएगा। ठीक है, ऐड कर दो 600 में 171 ऐड किया तो आया 771.428 मिलीमीटर। ये आ गई हमारी मीडियन जो कि हमारा सेकंड वाला जो क्वेश्चन है उसका आंसर है हमारा। इसी सेकंड में फिर पूछा है मेन रेनफॉल इन द सीजन। ठीक है, तो मेन कैसे निकालते हैं भाई, मेन भी मैं यही निकाल के बता देता हूँ, इसका और वाला है ना, कौन सा और वाला मेन निकालते हैं। तो मेन के लिए ये अपने क्लास इंटरवल है ना, ये एक्साइज नहीं है, ये है क्लास इंटरवल। तो एक्साइज निकालनी पड़ेगी हमको मेन में, क्योंकि मेन का फॉर्मूला हमको याद होना चाहिए, समेशन एफ आई एक्साइज अपॉन समेशन एफ आई। तो एक्साइज निकालनी पड़ेगी, एक्साइज कैसे निकालते हैं, लोअर लिमिट प्लस अपर लिमिट डिवाइड बाई टू। तो यहाँ 200 प्लस 400 कितना होगा 600, 600 को 2 से डिवाइड करेंगे कितना आएगा 300। ठीक है, अब देखो सब में है ना 200 का गैप है, तो हम सीधा सीधा 200 इसमें ऐड करते जाते हैं, तो 500, 5 to 700, 7 to 900, 9 to 1100 और 11 to 1300 और 13 to 1500, 15 to 1700। तो ये आ गई हमारी एक्साइज। एफ आई लिख लेते हैं फ्रीक्वेंसीज, तो 247, 247, 2474, फिर है 2311, 2311। ठीक है, तो एक्स आईज को और एफ आईज को मल्टीप्लाई कर लेते हैं, तो ये कितना होगा 3 2 जा 600, फिर 4 5 जा 20 तो 2000 हो जाएगा इनका मल्टीप्लाई, फिर 700 × 7 करेंगे 4900, फिर 9 4 जा 3600, फिर अगला आया 11 2 जा 2200, फिर 13 3 जा 39, 15 1 जा 15, ठीक है 17 1 जा 7। चलो ऐड कर देते हैं, एक बार ऐड करते हैं,
चलो सबको ऐड किया, तो यहाँ तो सारे आ गए जीरोस, फिर सेकंड में भी है जीरो, फिर इनको ऐड करेंगे 6 और 9 15, 6 21 23, 23 और 9 32, 32 और 5 37, और 7 44, तो 4 आएगा यहाँ पे, 4 कैरी, 4 2 6 4 10, 13 15 और 3 18 19 20, तो ये आया हमारा 20,400। और फ्रीक्वेंसी का जो सम है वो आपने देख लिया पहले से ही 24 है। तो मीन का फॉर्मूला लिखो बस और वैल्यू रख दो। मीन का फॉर्मूला क्या है, समेशन एक्स आई एफ आई अपॉन समेशन एफ आई, तो कितना आया 20,400 डिवाइड बाई 24। 20,400 को 24 से हमको क्या करना है, डिवाइड करना है, तो ये जो अपना आंसर है वो आ जाएगा 850। कैंसिल कर सकते हो, सीधा सीधा अपना आंसर आ जाएगा 850, कैंसिल कर देना चाहे तो। ठीक है, तो ये सेकंड का अपना आंसर हो चुका है। इसमें जो थर्ड वाला क्वेश्चन था उसको देखते हैं। इफ सब सब डिविजन हैविंग एटलीस्ट 1000 मिलीमीटर रेनफॉल ड्यूरिंग मानसून सीजन इज कंसिडर्ड गुड रेनफॉल, कि जिसमें जिस भी सब डिवीजन में 1000 मिलीमीटर रेनफॉल है उसको एक अच्छी यानी गुड रेनफॉल की कैटेगरी में रखा जाता है, देन हाउ मैनी सब डिवीजन हैड गुड रेनफॉल, तो कितने सब डिवीजन ने कितने सब डिवीजन में अच्छी रेनफॉल हुई है। ठीक है, तो 1000 से ज़्यादा रेनफॉल वाले जितने भी सब डिवीजन है उन सबको ऐड करना था यहाँ पे, 2 3 1 और 1, तो यहाँ पे जो अपना आंसर है थर्ड का 2 प्लस 3 प्लस 1 प्लस 1, यानी 2 3 5 6 7, तो 7 सब डिवीजन ऐसे हैं जिनमें अच्छी रेनफॉल है, गुड रेनफॉल है, 1000 मिलीमीटर से ज़्यादा है, तो यही इस क्वेश्चन में पूछा गया था। एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, इसी तरह के क्वेश्चन की वीडियो पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और अपने फ्रेंड्स के पास शेयर कीजिए ताकि हमें भी मोटिवेशन मिलता है। थैंक यू वेरी मच, गॉड ब्लेस यू।